हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये ऋषिकेश त्रिवेणी घाट की कहानी है। हमने पहले होटल लिया, गणगौर नाम से होटल था उसके त्रिवेणी घाट के पास में। सो उसके बाद हम शाम को पहुँचे थे वहाँ और रिक्शे से। उसके बाद हम त्रिवेणी घाट में स्नान करने के लिए निकले थे। तो ये यहाँ का मार्केट है और मार्केट के बाद में हम जैसे त्रिवेणी घाट के लिए एंटर किए तो पहले एक दरवाज़ा है जिस पे शिव जी की प्रतिमा लगी है और काफ़ी सारे यहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं अपना अपना स्टॉल लगा के। तो और काफ़ी शांत माहौल था, चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ के बीच में से एक नदी बह रही है। सो उसका नज़ारा भी आप देख सकते हैं। ये सामने एक जो गंगा नदी है वो नदी बह रही है और पीछे इसके पहाड़ है। काफ़ी मनमोहक नज़ारा लगता है और यहाँ गंगा आरती हो रही है। सो लेट्स एंजॉय इट। माँ गंगा की आरती प्रारंभ होने जा रही है। आइए सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर बड़े भाव से गंगा मैया की आरती उतारें। गंगा आरती के तुरंत बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ ली जो आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम जिसके लिए गए थे सुकून के लिए, वो हम थोड़ा जहाँ गंगा आरती होती है उसी स्थान से थोड़ा दूर जाके और पानी में पाँव देके, बिल्कुल ठंडा शीतल पानी था, वहाँ पाँव देके बैठ गए और लगभग हमने आधे एक घंटे तक वहाँ बैठे रहे और इन्जॉय किया। सो ये अंतिम छोर की तरफ है जहाँ से जहाँ पे लोग काफ़ी कम मिलेंगे और शांति काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। सो हमने वहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया और फिर हम आते वक्त कुछ खाने पीने के लिए।
और कुछ इस तरह अंत हुआ उस सुहानी शाम का। और हम वहाँ से स्नान करके गंगा आरती देख के यहाँ खाना खाया और फिर हम रात्रि में सोने के लिए अपने होटल में वापस चले गए। सो थैंक यू जय माँ गंगा।